हेलो एवरीवन, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के देखा जाए तो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ते हैं अगर समझ में नहीं आता है तो उनको लेकर के आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके माध्यम से देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जो कर व्यवस्था को लेकर के है। कर व्यवस्था जो होती है न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरीके के समझौते इत्यादि किए जाते हैं और उसके माध्यम से करों को से बचने के प्रयास किए जाते हैं या करों को ज़्यादा सुगमपूर्ण और व्यापार के लिए बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। उसी में से यहाँ पर कुछ आपको टर्मिनोलॉजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक आता है DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसी के तहत कई सारे और भी यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो अलग अलग यहाँ पर ऐसे ही टर्म यूज किए जाते हैं जो कर व्यवस्था और व्यापारिक प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उनको आज के हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पर समझते हैं कि DTAA है क्या और इसको लेकर के वर्तमान समय में देखा जाए तो अलग अलग देशों में इसको लेकर किस तरीके की स्थितियाँ होती हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऐसा ही अभी ये चर्चा का विषय भी बना क्योंकि भारत और मॉरिशस ना दो देशों ने DTAA में यहाँ पे कुछ संशोधन करके इसमें कुछ परिवर्तन लेकर आए और इस कारण से इस तरह के जब भी चीज़ें डेवलप होती हैं आपके एग्जाम में भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए, एक प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल के यहाँ पर थोड़ा संशोधन किया गया है। संशोधन किस संदर्भ में किया गया है तो देखिए, इस तरह के समझौते जो होते हैं कर चोरी से बचाने के लिए और कर का लाभ जो है वो दोनों ही देशों के यहाँ पर मिले उसको सुनिश्चित करना होता है। जैसे कि इस संशोधन के जरिए दोनों ही देशों के बीच यहाँ पर DTAA में प्रिंसिपल पर्पज टेस्ट शामिल किया गया है और ये प्रिंसिपल पर्पज टेस्ट, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही हो गया, PPT क्या हो गया भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल पर्पज टेस्ट का यहाँ पर जो मतलब है, इसके माध्यम से आपको कर चोरी और कर देने से बचने के लिए संधि के दुरुपयोग को यहां पर रोका जाएगा, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति यहां पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत भी किसी भी तरीके के ऐसे प्रविधियां करता है जिसके माध्यम से या तो वो कर नहीं देना चाह रहा है या उससे बचने के प्रयास कर रहा है, उसी को यहां पर प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है जिसको इस संधि के तहत शामिल कर लिया गया। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, PPT जो है अब इसके तहत होगा क्या कि यहां पर संशोधन करने के बाद कर लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी, मदद दोनों ही देशों को मिलेगी। शर्त क्या रहेगी PPT के तहत, यदि किसी लेन देन या अरेंजमेंट का मुख्य उद्देश्य ही प्रशुल्क में छूट संबंधी लाभ प्राप्त करना है तो उस स्थिति में संधि के तहत कर लाभ नहीं मिलेगा। यानी अब कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी ऐसा प्रयास करता है, ऐसी कोई पॉलिसी लाता है या ऐसी कोई पॉलिसी के तहत फॉर्म के तहत या व्यापार के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे चाहता है जिसका उद्देश्य हो कि भाई मुझे कर ना देना पड़े या कर लाभ मिले या कर छूट मिले, तो वहाँ पे देखिए अब यहाँ पे PPT के तहत उसे ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा। अब इससे होता क्या है, देखिए जो DTAA है इसमें संशोधन संबंधी प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसको हम कहते हैं BEPS, ये क्या है इसको भी समझेंगे, BEPS के न्यूनतम मानकों के अनुरूप यहाँ पे बनाना है। तो जो विषय था, जो यहाँ पे DTAA PPT जो चर्चा का विषय बना उसको तो हमने समझ लिया, लेकिन इसी से जुड़े कई अन्य पहलू भी आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यहाँ पर प्रयोग होते हैं और आपको उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, आइए उनको भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जब दो देशों के मध्य DTAA जो व्यापार यहाँ पर होता है किस संदर्भ में होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी समझ लीजिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, DTAA जो है दो देशों राज क्षेत्रों के बीच होने वाला एक समझौता है और ये समझौता किस लिए किया जाता है, इसलिए किसका जो उद्देश्य होता है कि दो अलग अलग देशों राज क्षेत्रों में एक संपत्ति पर दोहरे कर से यहाँ पर बचना है। यानी कि दोनों ही देशों में सेम ही प्रोडक्ट पर, संपत्ति पर यहाँ पर दोनों ही देश टैक्स ना लें, इस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया जाता है। भारत और मॉरिशस के पास देखिए पहली बार जो इन्होंने संधि पर DTAA पे हस्ताक्षर किए थे वो 1982 में किए थे और 2016 में देखिए दोबारा यहाँ पर इसमें संशोधन किया गया। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए आप जब इस तरीके के एग्रीमेंट किसी देश के साथ यहाँ पर करते हैं तो उससे दोनों ही देशों को लाभ होता है। लाभ क्या होता है कि विदेशी निवेशकों पर कर का बोझ कम होता है और सीमा पार निवेश को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, मूल देश और रेजिडेंट देशों के मध्य यहाँ पे कर लगाने के अधिकार जो होते हैं वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं, भाई कौन लगाएगा, कौन वसूलेगा, कौन किसको यहाँ पे लाभ मिलेगा, किस चीज पर लाभ मिलेगा, वो यहाँ पर आपको तयशुदा हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय आय पर कराधान को कानूनी यहाँ पर निश्चितता भी इसके माध्यम से प्रदान की जाती है।
तो ये व्यवस्था है जिसको हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं। अब आइए यहाँ पर इसी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी देखते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट भी जो इसके अंतर्गत आते हैं व्यापार में वो भी समझ लीजिए। देखिए इसी से जुड़ा हुआ दो शब्द और आता है, ठीक है। एक आता है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग क्या होती है? देखिए ट्रीटी शॉपिंग का मतलब होता है जब कोई देश DTAA में शामिल नहीं है लेकिन वहां की कोई कंपनी या रेजिडेंट जब ऐसे समझौते के प्रावधानों का लाभ उठाते हैं तो उसे हम ट्रीटी शॉपिंग यहां पर आपको कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए भारत और मॉरिशस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में भी कोई कंपनी यहां पर ऐसा ही लाभ उठा रही है तो उसको हम कहते हैं ट्रीटी शॉपिंग। दूसरा यहां पे होता है दोहरा गैर कराधान। दोहरा गैर कराधान भी क्या होता है? डबल नॉन टैक्सेशन, यानी कि जब कोई जब दोनों पक्षकार दोनों देशों में करों का भुगतान करने से बचने के लिए DTAA का यहां पे दुरुपयोग करते हैं, यानी कि कर से लाभ प्राप्त करते हैं, कर से बचते हैं, कर नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे ही संदर्भ को हम दोहरा गैर कराधान कहा जाता है। कर संधियों की अलग अलग व्याख्याओं के कारण यहां पर देखा है इसके कारण फिर मुकदमेबाजी बढ़ती है, लोग यहां पर एक दूसरे मुकदमा करते हैं, उसी देश में मुकदमे होते हैं और उसी में आपको चलता रहता है। इसके अलावा अभी हमने कहा था एक और यहां पर कॉन्सेप्ट आता है उसको भी यहां पे देखिए समझ लीजिए। आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं BEPS, यानी कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये क्या है? देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो बहुराष्ट्रीय यानी कि कई सारे देश आपस में जब व्यापार यहां पे करते हैं तो व्यापार जो होता है अलग अलग उद्यम या फिर जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग होता क्या है, करते क्या है इसके अंतर्गत, इसमें देखिए कर रणनीति होती है और ये कंपनियां जो होती हैं इसके माध्यम से जो कर का भुगतान करने से बचने के लिए कर नियमों की खामियां ढूंढती हैं, अलग अलग देशों के नियमों में अंतर का फायदा उठाती हैं और अपने लाभ को उच्च कर वाले देशों से निम्न कर वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं। यानी कि मान लीजिए भारत और मॉरिशस में दोनों जगह पर एक ही कंपनी यहाँ पर कार्यरत हैं, भारत में कर ज़्यादा है मॉरिशस में कर कम है, तो वो दिखा देंगे कि हम मॉरिशस से सारा काम दाम करते हैं, हम वहाँ पे टैक्स देंगे भारत में नहीं देंगे और इस तरीके के कारण वहाँ पर वो टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं, जिसे यहाँ पर BEPS कहा जाता है। BEPS की रोकथाम के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए यहाँ पर बहुपक्षीय अभिसमय का यहाँ पर उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को अपडेट करना, बहुराष्ट्रीय उद्यमों के द्वारा कर से बचने के अवसर को कम करना है और भारत देखा जाए 2017 में इस अभिसमय पर यहाँ पे हस्ताक्षर कर चुका है ताकि ऐसी किसी भी कंपनी के द्वारा ऐसा कोई लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है तो उसे यहाँ पर इसे रोका जा सके। तो ये था DDTA, BEPS, ट्रीटी शॉपिंग और ऐसे ही यहाँ पर जुड़े हुए इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। हम लगातार ऐसे इकोनॉमी के पहलुओं को लेकर हम मिलते रहेंगे, उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे और आप भी यहाँ पर अपना सुझाव यहाँ पर देते रहें। यदि कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी कमेंट बॉक्स से यहाँ पर बता सकते हैं इकोनॉमी के, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।